नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मेष राशि वालों, हो जाइए सावधान, आने वाले अगले 24 घंटों में सर से छत छिनने वाली है, सदमे में जाना तय है। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारियां ग्रह गोचर एवं चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं ग्रह गोचर और आज की पंचांग। दोस्तों, इस दिन रविवार का पावन दिन रहने वाला है और कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रहेगा। इसके साथ ही उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र निर्माण हो रहा है और सूर्य अभी मकर राशि में विराजमान है, परंतु चंद्रमा कन्या राशि में संचार करेगा पूरे दिन रात। तो ऐसे में आने वाले 24 घंटे व्यापार की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से, विद्यार्थियों के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए व खासकर प्रेमी जोड़ों के लिए समय क्या शुभ और क्या अशुभ परिणाम लेकर आने वाले हैं, आज की इस वीडियो में हम पूरी विस्तार से जानेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो के अंत में आप सभी के लिए उपाय है, जो कि वह उपाय रविवार से संबंधित है, तो आप लोग जरूर कीजिएगा, आपको बेहद ही लाभ होगा। चलिए सबसे पहले भगवान सूर्य महाराज का जो सच्चे भक्त है, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः, जय सूर्यदेव जरूर लिखें। भगवान आपकी सारी कष्ट और परेशानियों को दूर करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बता दें आपके लिए जो शुभ समय है, दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक का जो समय है, यह समय आपके लिए शुभ है। इस समयावधि में आप किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण और शुभ कार्यों को कर सकते हैं। आपको कार्यों में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं नहीं आएगी। चलिए अब बात करते हैं आपका दैनिक राशिफल। यह समय आपका जो दिन है काफी बढ़िया रहेगा, उत्तम रहेगा और कुछ महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क आपका बढ़ेगा, जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होंगे। इसके उपरांत यह समय आपका पारिवारिक जीवन सुखद बना रहेगा। इसके उपरांत आप व आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों बता दें कि यह समय अपने व्यक्तित्व के दम पर आप कुछ लोगों के अपने फेवर में करने में सफल रहेंगे और इस राशि के नौकरी कर रहे लोगों की आय में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी और अचानक से धन लाभ होगा। इसके उपरांत यह समय अगर कोई परेशानी आपका हल नहीं हो रहा है, तो आप अपने दोस्तों से समय बात करके समस्या का हल निकाल सकते हैं। यह समय आपके लिए काफी उत्तम समय है। इसके उपरांत दिन की शुरुआत में ही कोई शुभ समाचार मिलने से मन आपका जो है वह प्रफुल्लित रहेगा, यानी कि कहीं से इस समय आपको गुड न्यूज मिल सकता है, जो आप बहुत खुशी महसूस करेंगे। इसके उपरांत यह समय मित्रों अथवा सहयोगी के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप आपके लिए फायदेमंद रहेगी। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों बता दें कि यह समय जमीन जायदाद संबंधित कोई रुका हुआ मसला भी आपका हल हो सकता है। इसके उपरांत अगर आपकी सावधानियां को लेकर बात करें, तो यह समय आय की अपेक्षा खर्चों की अधिकता रहेगी, जिस वजह से चिंता आपकी रह सकती है और कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग आपके कार्यों में विघ्न डालने का हर समय प्रयास करेंगे, आपको मुसीबतों में डालने की कोशिश करेंगे। आपके लिए बेहतर यही होगा कि ऐसे लोगों से जितना हो सके आप दूरी बनाकर रखें और संपर्क ना ही रखें, तो आपके लिए बेहतर होगा। इसके उपरांत यह समय कार्यस्थल पर कामकाज का बोझ आपका अधिक रहेगा और कामकाज का जो बोझ है आपका बढ़ सकता है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों बता दें कि यह समय काम समय पर निपटाने की आप कोशिश करें और काम कुछ समय आप टालने का प्रयास ना करें, सिर्फ वर्तमान की गतिविधियों पर ही ध्यान दें और किसी भी नई योजना पर अभी आप प्लानिंग कर रहे या फिर काम शुरू करना अभी आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, इसलिए आप नए निवेश अभी आप ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों बता दें कि यह समय धैर्य और संयम बनाकर रखना अभी आपके लिए बहुत ही जरूरी है।
किसी भी काम में अभी आप जल्दबाजी ना करें, क्योंकि ससुराल पक्ष से किसी संबंधित के साथ बात विवाद होने जैसी स्थिति आपकी बन रही है। जितना हो सके आप छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करें और बातों को बढ़ावा ना दें। इसके उपरांत किसी भी प्रकार के स्थान परिवर्तन गतिविधियों को लेकर तनाव इस समय आपका रह सकता है। अगर आप किसी स्थान परिवर्तन के बारे में सोच विचार कर रहे हैं या फिर नौकरी बदलने की विचार कर रहे हैं, तो इस समय आप संयम से काम लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जल्दबाजी करना अभी आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। इसके उपरांत अपनी भावनाओं पर काबू रखें, क्योंकि इस वजह से आपके कुछ निर्णय गलत भी हो सकते हैं। इसलिए व्यवहारिक दृष्टिकोण रखें और संतान की पढ़ाई व कैरियर संबंधित कार्यों में खर्चों की अभी आपकी अधिकता रहेगी, जिससे मन में नकारात्मक विचार आपके आ सकते हैं। लेकिन आपके लिए बेहतर यही होगा कि अपने मन में कभी भी आप नेगेटिव सोच को प्रवेश ना करने दें, अन्यथा वह आपके लिए बहुत ही भारी पड़ सकता है। इसके उपरांत यह समय किसी भी तरह का निवेश अथवा कोई यात्रा संबंधित निर्णय अभी आप ना लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि समय पैसा और व्यर्थ बर्बाद होने के अलावा इस समय और भी कुछ आपको हासिल नहीं होगा। इसके उपरांत आप और आपकी दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों बता दें यह समय दूसरों के मामलों में ज़्यादा हस्तक्षेप ना करके अपनी गतिविधियों पर ही ध्यान दें। बातचीत करते समय उचित शब्दों का प्रयोग करें, अन्यथा आपके लिए जो है बाधाएं खड़ी हो सकती है। इसलिए जितना हो सके अपनी वाणी पर इस समय आप मिठास रखें और मीठे वाणी का प्रयोग करें तो यह समय आपके लिए बेहतर होगा। इसके उपरांत यह समय बिजनेस व्यवसाय को लेकर बात करें तो यह समय मार्केटिंग और इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधित बिजनेस में आपको फायदा होगा, लेकिन आप नए सिरे से निवेश ना करें। इस समय प्रॉपर्टी संबंधित कोई डील करते समय कागजी कार्यवाही पर अधिक से अधिक ध्यान देने की आपको इस समय ज़रूरत है। अगर आप कहीं साइन वगैरह ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आप पूरी तरह से जांच पड़ताल करके ही करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके उपरांत यह समय सरकारी सेवारत व्यक्तियों के लिए पदोन्नति के अवसर भी बन रहे हैं और जो कि आपके लिए फायदा होगा। इसके उपरांत लव लाइफ को लेकर बात करें तो यह समय पति पत्नी के संबंध बेहतर बने रहेंगे, लेकिन आप यह समय विवाहितर संबंधों से और गलत ऐसे वचनों से आप दूरी बनाकर रखें तो आपके लिए ज़रूरी है। इसके उपरांत यह समय आपके सेहत को लेकर बात करें तो यह समय ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की जो समस्या है वह आपकी बढ़ सकती है। अपने आवेश को और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें तथा ज़्यादा तनाव लेने से इस समय आप बचिएगा और कुछ समय अपने आराम के लिए भी ज़रूर निकालें। दोस्तों उपाय की अगर बात करें तो रविवार की रात को अपने सिरहाने दूध का गिलास रखकर सोएं और सुबह उठते ही उस दूध का गिलास को बबूल के पेड़ के नीचे जड़ में डाल दें। चार दिन अपनी मनोकामनाओं को किसी बरगद के पत्ते पर लिखकर कहीं बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें और पांच रविवार के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे चार मुख वाला दीपक बनाकर जलाएं। इससे आपको यश धन व समृद्धि प्राप्त होगी। दोस्तों तो ये था, आप उपाय जरूर कीजिएगा और देखिएगा आपके बहुत फायदा होगा। दोस्तों अगर इन जानकारियों से आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कहें जय सूर्यदेव। धन्यवाद।